और ये हरिद्वार से मुरादाबाद हल्द्वानी साइड जाने के लिए गंगा जी का पुल। आजकल इधर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है और ऋषिकेश की तरफ यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में कुछ घाट भी बने हैं ताकि जब भीड़ हरिद्वार में हो जाती है, मेन हरिद्वार की पौड़ी में ज़्यादा, तो फिर श्रद्धालु यहाँ भी आके गंगा स्नान कर सकते हैं। ये पूरे नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत घाट बनाए गए हैं। तो यहाँ भी श्रद्धालु आकर जो है गंगा स्नान कर सकते हैं। जिनको मान लिया हर की पौड़ी पे भीड़ वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा व्यवस्था कर दी गई है स्नान की। इस रोड का नाम बताया गया ईस्टर्न गंगा कैनाल रोड। तो ये कोटद्वार जाने के लिए एक शॉर्टकट है जिसमें हर नजीबाबाद नहीं आएगा, और 19 किलोमीटर इस पे चल के फिर ये नजीबाबाद, ये अपना कोटद्वार वाले हाईवे में जुड़ती है। तो ये एक अल्टरनेट रूट है जो लोग सिद्धबली मंदिर कोटद्वार का दर्शन हरिद्वार साइड से करने के लिए जाना चाहते हैं। नीचे नदी का मार्ग है और यहाँ ऊपर जो है सड़क बनाई गई है। और नहर को भी नदी के ऊपर से निकाला गया है, यानी कि जैसा रुड़की में देखने को मिलता है सोलानी के नदी के ऊपर से ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है, तो सेम सिस्टम यहाँ भी मिल रहा है देखने को। ईस्टर्न गंगा कैनाल को इस नीचे बह रही नदी के ऊपर से पूरा निकाला गया है। सिद्धबलि जी मंदिर मार्ग in 500 meters your destination will be on the left। बाबा सिद्धबली महाराज जी का मंदिर आ गया है। ओ,
नदी के किनारे। ए बाबा सिद्धमणि, पौराणिक सिद्ध पीठ श्री सिद्धबलि मंदिर कोटद्वार। कोटद्वार सिद्धबलि बाबा मंदिर, बाबा सिद्धबलि जी मंदिर कोटद्वार। जय सिद्धबलि। वार्षिक अनुष्ठान ये सब किया हुआ है। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थान पर स्थित श्री सिद्धबलि हनुमान जी का मंदिर, ये पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पड़ता है और पौराणिक स्थल है, काफ़ी मान्यता है और यहीं से फिर पर्वतों की यात्रा शुरू मानी जाती है। तो यहाँ श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चुन्नी बांधते हैं। सिद्धबलि जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे बहती हुई कोह नदी की ये जलधारा मंदिर की जो सुंदरता है उसमें विशेष चार चांद लगा देती है। और मंदिर के ऊपर से कोटद्वार शहर का ये दृश्य, हाँ
खींचो कैमरा मैन रुकिले कैमरा मैन रुकिले कैमरा मैन तो फोटो की मांग में चलो खड़े हो आ भैया आओ चलो खाइए।